सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है हमारे ट्रेवल का डे टू। राइट नाउ वी आर इन काठमांडू। आज हम लोग प्लान कर रहे हैं भक्तापुर के लिए और कोई सराउंडिंग प्लेसेस के आसपास में। बहुत सारे सराउंडिंग प्लेसेस जैसे दरबार स्क्वायर, पाटन स्क्वायर, उसके बाद एक गार्डन है यहाँ पे। तो ऐसी चीजें हम लोग आज देखने वाले हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग नीचे आ गए हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं हमारा ब्रेकफास्ट। अब देखते हैं ब्रेकफास्ट में आज क्या क्या है। सो सबसे पहली चीज जो है वो है डोसा, नहीं पता नहीं जो कुछ भी है, शायद ये चिकन है, नॉट श्योर अबाउट इट। ये है पटेटो, यहाँ पे है नो आइडिया। अगेन यहाँ पे है ऑमलेट, बेकिंग, थोड़े से ब्रेड। सुनती तेरे लायक कुछ है? ब्रेड बटर और ये साइड में है कुछ कॉफ़ी, चाय, बटर। ये है कॉर्नफ्लेक्स एंड फ्रूट्स है कुछ एंड फ्रूट जूसेस है। सो गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा प्लान है दैट इज भक्तापुर। हम लोग आज जाने वाले हैं भक्तापुर दरबार स्क्वायर, पाटन दरबार स्क्वायर। आफ्टर दैट विल बी गोइंग टू द स्वयंभूनाथ स्तूपा एंड देन बौद्धनाथ स्तूपा। सो दीज आर द फोर प्लेसेस दैट वी आर गोइंग टू विजिट। या सो द नेम ऑफ द एजेंसी इज नेपाल प्रमोट ट्रेक्स एंड एक्सपीडिशंस प्राइवेट लिमिटेड। सो इसका जो एड्रेस है वो मैं नीचे गूगल लिंक में दे दूंगा। तो आपको ईजिली यहाँ पे आना बहुत सिंपल पड़ेगा। थामिल के मेन एरिया में ही ये है एंड द पैकेज दैट वी गॉट ओवर हियर इज अ गुड पैकेज। प्राइज अगर आप यहाँ पे आते हो तो यू विल गेट अ गुड असिस्टेंस। आपको प्राइजिंग भी अच्छा मिल जाएगा। देर आर लॉट ऑफ प्लेसेज दैट यू कैन विजिट। जैसे यू कैन सी द ऑफिस, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए एंड रॉबिना, सो शी विल डेफिनेटली असिस्ट यू इन वॉट एवर यू नीड। यू कैन कॉन्टैक्ट हर एंड थैंक यू सो मच रॉबिना फॉर योर ग्रेट हेल्प। थैंक यू सो मच। वाइज ये वाला जो है नॉर्थ फील्ड मनी एक्सचेंज, यहाँ से आप आपका मनी एक्सचेंज करवा सकते हो। ये थामेल के मेन एरिया में ही है और यहाँ पे भोला सर है। भोला सर ने कल हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया अबाउट मनी। तो यहाँ पे आपको INR to NPR करके मिल जाएगा। तब तक के लिए आप इनका नंबर भी ले सकते हो, +977 लगाना आपको जरूरी है। तो गाइज अभी हम लोग स्वयंभूनाथ टेम्पल पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे स्वयंभूनाथ टेम्पल है एंड जल्दी हम लोग वहां पे पहुंच जाएंगे। तो गाइज ये है किया रियो। हम लोग अभी आए हैं स्वयंभूनाथ टेम्पल। तो गाइज देखिए इनका आर्किटेक्चर, ये देखिए मुझे पूरा फार क्राय 4 का याद आ रहा है। तो गाइज हम लोग अभी आ गए हैं स्वयंभूनाथ स्तूपा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। कुछ हाइपरलैप्सेस मैंने यहाँ पे किए एंड लुक एट दिस स्तूपा। तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखने मिलने वाली है एंड यहाँ पे काफ़ी सारा फॉरेनर क्राउड भी है। टिकट यहाँ पे 50 रुपीज़ है। अनफॉर्चुनेटली ड्रोन यहाँ पे अलाउड नहीं है। मम्मी और ये लोग ऑलरेडी आगे जा चुके हैं, मैं भी जा रहा हूँ। लेट्स जस्ट रन। तो गाइस यहाँ पे आपको सारे एशियन स्टाइल आर्टिफैक्ट्स देखने मिलेंगे, बहुत ही खूबसूरत है। ये वाला मुझे थोड़ा बहुत कंटारा की याद दिला रहा है। लुक एट दिस। ये देखिए ये जो टेंपल है इसके बाहर ये स्टोन स्टैचूज है एंड यहाँ पे कितने सारे डॉग्स हैं। ये जो ब्राउन कलर का ब्रिक वर्क है ये काफ़ी क्लासिक लुक दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये पूरा वैसा ही जैसे हम लोग वो हॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं उसी तरीके से है ये सारा चीज़। तो भाई स्वयंभूनाथ स्तूपा के यहाँ पे है ना आपको बहुत सारी दुकानें मिलने वाली है जो आपको विंटेज स्टफ़ देंगे। बट आपको आपके फ़्लाइट का जो अरेंजमेंट है वो भी देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें अलाउड है कौन सी नहीं। मेरा कहना ये रहेगा कि आप यहाँ पे देख लो एंड बाद में आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। एंड ये स्वयंभूनाथ स्तूपा जो प्लेस है बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत अमेजिंग स्ट्रक्चर्स है वहाँ पे एंड इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस आई हैव सीन।
सो गाइस यहाँ पे एक कैफे भी है, स्तूपा द कैफे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपको फ्रैपेज मिलेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बनाना लस्सी है, फ्रैपे है, कैपिचिनो है, अमेरिकानो, हॉट चॉकलेट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो इस यहाँ पे काफ़ी सारी जो है चीज़ें वो मोस्टली आर्टिफैक्ट से रिलेटेड ही है। कुछ यहाँ पे फ्रेम्स भी है जिसमें बहुत अच्छे पेंटिंग्स है, लुक एट दी अघोरीस, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप ऊपर आओगे तो काफ़ी सारे स्टैचूज भी आपको मिलेंगे, काफ़ी सारे ऑर्नामेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स भी है। तो बहुत ही ऑथेंटिक स्टैचूज आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स भी है एंड आप इनके लिए खाना भी ला सकते हो। एंड कहते कि बर्ड्स को खाना खिलाना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो यस डेफिनेटली यू कैन डू दैट। तो भाई स्वयंभूनाथ स्तूपा जाने से पहले आप आपके आउटफिट्स पे थोड़ा ध्यान दे देना, बिकॉज आपको यहाँ पे बहुत सारे फोटोज़ का चांस है आपके फैमिली के साथ एंड सोलो में भी। तो गाइज़ मैं आपको स्वयंभूनाथ स्तूपा के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ पे जो एंट्री फीस है वो है 50 NPR, दैट इज़ INR में 30 रुपये के आसपास। तो हम लोगों को जो फीस यहाँ पे आने के लिए लगा तीन लोगों के लिए वो है 90 रुपये। एंड सोचिए अगर आपको 90 रुपये में ये सब चीज़ें देखने मिल रही है, इजंट इट माइंड ब्लोइंग। तो गाइज जब आप यहाँ पे आओगे ना तो देर इज समथिंग दैट यू विल गेट द होल टाइम, वो है पीस। लुक एट दीज फ्लैग्स, देखिए कितना वाइड एंगल में कितना सुंदर पूरा एनवायरनमेंट, पूरा क्लाइमेट लग रहा है, इजंट इट अमेजिंग। एंड ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैं देख के पूरी तरीके से दंग रह गया था, भाई साहब ये क्या है, दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, दिस इज़ समथिंग आई रियली लव्ड। और जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के आना पड़ेगा, बिकॉज आपको ये टाइम बहुत कम पड़ने वाला है इतनी सारी ब्यूटी देखने के लिए। और जब आप स्वयंभूनाथ स्तूपा पे आओगे तो यहाँ का एक एक कॉर्नर चेक कर लेना, आपको बहुत ढेर सारी चीज़ें मिलने वाली है देखने के लिए, शूट करने के लिए। लेकिन मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि आप इसे कैमरा में कैप्चर करने से पहले आपकी आँखों से कैप्चर कर ले, बिकॉज इतनी सारी फीलिंग्स, इतनी सारी ब्यूटी, इतनी सारी चीज़ें आपको एक जगह पे कभी देखने नहीं मिलेगी। एंड यहाँ से ये जो काठमांडू वाला पूरा व्यू है, इट्स ब्रेथ टेकिंग। स्वयंभूनाथ टेंपल में है, यहाँ पर जो स्तूपा है, बहुत स्तूपा वो वहाँ पर सामने है, इट इज रियली ब्यूटीफुल। इसकी भी जो कार्विंग है, जैसे मैंने कहा वुड पर जो कार्विंग उन्होंने किया है, उसी तरीके का कार्विंग इनके स्टोन्स पर भी है। तो अगर आप देख सकते हो तो देखिए कितना इंट्रिक वर्क है, इतना ही ज्यादा प्रिटी है। हम लोग ये मुझे फ्लैग लेना है, तो सबसे पहले तो इसका प्राइस पूछ लेंगे क्या है। मे पीस प्रिवेल ऑन अर्थ, इस तरीके से उन्होंने लिखा है। तो ये मैं मेरे मम्मी अभी मेरी पूरी फैमिली की तरफ से लाइफ का बेसिक फंडा है, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ सभी चीज़ पॉजिटिव ही होगा। तो हर एक चीज़ को पॉजिटिवली लेना सीखिए। मैंने ये फ्लैग मोस्टली लद्दाख में देखे थे और भूटान में देखे थे, नेपाल में देखा नहीं था। बट यहाँ पर आते ही जिस तरीके से इतना कलरफुल एनवायरनमेंट है वो देखते ही बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइस जब मेन स्वयंभूनाथ स्तूपा होने के बाद आप नीचे आ जाओगे तो एंट्रेंस पे ही लेफ्ट साइड में आपको एक बहुत सही चीज मिलेगी, लुक एट दीज फ्लैग्स। इट्स जस्ट ब्यूटीफुल, इतने सारे कलर्स है, इतना अच्छा लग रहा है। कौन सा स्तूपा है? स्वयंभूनाथ। और ये हमेशा फार क्राई में खेला करता था, फार क्राई में देखा करता था। और फाइनली मैंने फ्लैग्स भी, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने फ्लैग्स ले लिए। इसका हम लोगों को जो प्राइस पड़ा यहाँ पे वो है 250 NPR,
दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 170 रुपीज, मतलब एक 300-350 रुपए के आसपास हम लोगों को ये दो फ्लैग्स का सेट पड़ा है। अब इसको मैं लगाऊंगा अपने एडिट रूम में। तो गाइज आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो कि आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन एंड पूरा विजुअल्स कैसा लगा है। अरे रुकिए, कहाँ चले आप लोग, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ड्रोन शॉट हम लोगों को स्वयंभूनाथ स्तूपा पे अलाउड नहीं था, बट किसने कहा कि काठमांडू सिटी दिखाने के लिए अलाउड नहीं था। लुक एट दिस। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी बहुत अच्छी जगह देखने मिलने वाली है, तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।